शहर में मौसम आज जुज़वी तौर पर आबर आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। दिन भर सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी रहेगी। शहरियों को दो दो हाथों से लूटने वालों के खिलाफ घेरा तंग। गिरा फरोश और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। कैंट में चीनी महंगी फरोख्त करने वाले 13 दुकानदारों को 45,000 रुपये जुर्माना। गड़ी शाहू यूरो स्टोर पर चीनी 87 रुपये फी किलो फरोख्त करने पर मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया। रायगढ़ में भी 5 दुकानदारों को 20,000 रुपये जुर्माना किया गया। जलालसंस इंतजामिया की भी शामत आ गई। जलालसंस में डीसी काउंटर पर दालें और चीनी की अदम दस्तियाबी पर एक्शन। जलालसंस की इंतजामिया को 30,000 रुपये जुर्माने का सामना। कब्जा माफिया की भी शामत आ गई। एंटी करप्शन विजिलेंस सेल का शाहदरा में क्रैकडाउन। साबिक एमपीए मियां महमूद के कब्जे से 150 केनाल सरकारी जमीन वागुजार करवा ली गई। वागुजार करवाई गई जमीन की मालियत 20 करोड़ से जायद है। पंजाब में मेगा मंसूबे, ब्यूरोक्रेसी का बड़ा इकदाम। मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी से कबल कागजात तस्दीक के लिए नैब को भिजवाने का फैसला। प्रोजेक्ट की मंजूरी नैब की इजाजत से मशरूत। ब्यूरोक्रेसी के फैसले से सियासी मुदाखलत का खात्मा होगा। जराए गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियां हुई, अब कोई रिस्क नहीं ले सकते। ब्यूरोक्रेसी शहरियों के लिए अच्छी खबर। लाहौर में भी दुबई की झलक नजर आएगी। 10 मरला प्लॉट पर 50 फीट बुलंद 3 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत। 1 केनाल प्लॉट पर 6 मंजिला इमारत 90 फीट तक बुलंद रखने की सहूलत। 2 केनाल पर 10 मंजिला बिल्डिंग 4 केनाल पर 15 फीट मंजिला इमारत की तामीर मुमकिन। 8 केनाल प्लॉट पर इमारत 300 फीट तक ऊंची और 23 मंजिलें बना सकते हैं। 12 केनाल और इससे जायद प्लॉट के लिए इमारत की हद ऊंचाई की शर्त खत्म करने की तजवीज़। एलडीए बिल्डिंग रेगुलेशन 2019 मुतारिफ। गवर्निंग बॉडी ने बिल्डिंग रेगुलेशन 2009 में तरमीम की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए नून लीग का कानूनी जंग तेज करने का ऐलान। अवामी नुमाइंदों को घर भेजना पंजाब से दुश्मनी करार। एहसन इकबाल कहते हैं मुद्दत से पहले बल्दियाती निज़ाम ख़त्म करके लाहौर को लावारिस कर दिया। बल्दियाती निज़ाम तोड़नान लीग के मैंडेट की तोहीन है। पीटीआई ने बेहतरीन निज़ाम बेहतर करके बदतरीन इकदाम उठाया। अवामी मसाइल से बेखबर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए गए। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक मेयर लाहौर भी बल्दियाती निज़ाम की दोबारा बहाली के लिए पुरउम्मीद। मुबशिर जावेद बोले मौजूदा हुकूमत ने शहर का बुरा हाल कर दिया। 67% सड़कों की लाइट्स बंद पड़ी हैं। अवामी नुमाइंदों से मुतालिक हमारा केस मजबूत है। शहर में जल्द तरक्की का अमल शुरू होगा। नून लीग ने बल्दियाती इदारों के हवाले से कौन सी तोपें चलाईं। सूबाई वजीर कलोनी फियाजुल हसन का एहसन इकबाल से सवाल। बोले नून लीग ने गैर मौसर और बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम बनाया। बल्दियाती इदारों के पास पैदाइश अमवात और निकाह के सर्टिफिकेट के अलावा कुछ इख्तियार नहीं था। नाम निहाद खादिम आला ने कभी बल्दियाती निज़ाम को दिल से कबूल नहीं किया। जब इलेक्शन करवाए तो आधा तितर और आधा बटेर था। मरियम नवाज पर भी कड़ी तंकीद। बोले मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक मरियम नवाज का झूठ नैब की तफ्तीश में पकड़ा गया। साबिक हुकूमत के दो शौक थे, एक पुल और सड़क, दूसरा करप्शन। टैक्सों के पैसे बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए। राणा सनाउल्लाह करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक हैं। फैमिली मेंबर और करीबी अजीज दारों के नाम पर कुल 14 कमर्शियल प्लॉट्स, तमाम जायदाद मंशियात स्मगलिंग से बनाई। एएनएफ का इल्ज़ाम, रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। असासत मुंजिमत करने की इस्तदा। फैसल इंटरचेंज पर दाखिले की सीसीटीवी फुटेज भी पेश। दौरान हिरासत कब्जे में लिया गया पर्स और गाड़ी वापस। इंसदाद मंशियात कोर्ट ने सेफ सिटी अथॉरिटी की फुटेज मांग ली। अदालत ने राणा सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी। सियासी तौर पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कमजोर नहीं। राणा सनाउल्लाह की गुफ्तगु।
LDACT स्कीम के मुतासरीन के लिए अच्छी खबर, प्लॉटों के अलॉटमेंट के लिए कुरानदाजी की पॉलिसी तैयार कर ली गई। 21 दिसंबर 2019 को कुरानदाजी करने की तजवीज़, फाइल होल्डर्स के लिए डेवलपमेंट चार्जेस भी वाजे कर दिए। वर्किंग पेपर की आइंदा गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली जाएगी। साफ पानी की फराहमी का आजम, फिल्ट्रेशन प्लांट की चेकिंग के बाद बड़े ब्रांड्स के पानी का तजिया। 11 कंपनियों के ब्रांड्स की चेकिंग, गलत लेबलिंग पर 4 ब्रांड्स फेल। इवाइन नेचुरल वाटर, मरीज पार्कलेट्स प्रीमियम, दसानी और सुपर नगले नेचुरल वाटर के सैंपल फेल करार। पानी में TDS का लेवल कम, कल्चर और गंदगी पाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी, फेल होने वाली कंपनीज के प्रोडक्शन बंद करा दी गई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गलत अफवाहें और इंतशार फैलाने की नाकाम कोशिश है। डॉक्टर्स की तनख्वाहों में 7.5 अरब रुपए का इजाफा किया। मौजूदा हुकूमत ने रिकॉर्ड भर्तियां की, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के तहफ्फुज़ के लिए बुनियादी इकदाम उठा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का YDA की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। ट्रैफिक हादसे का बड़ा मुजरिम अब बच ना पाएगा, सिटी ट्रैफिक पुलिस खुद मुदई बनेगी। ट्रैफिक पुलिस ने तमाम सेक्टर इंचार्ज को मुरासला जारी कर दिया। जिन केसेस में मुदई कार्रवाई नहीं करेगा, सेक्टर इंचार्ज खुद मुदई बनेगा। मुरासला, कार्रवाई न होने पर मुलजिम ड्राइवर्स दोबारा हादसात का बायस बनते हैं। ट्रैफिक पुलिस, लाहौर मेरा शहर है, मुझे कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब करवाया। जब हुकूमत मिली मुश्किल हालात थे, अब मामला बेहतर हो रहे हैं। अब अच्छी खबरें आ रही हैं, मईशत मजबूत हो रही है। चंद हफ्तों में सारी कौम मुतहद हुई और कश्मीर में मुजालिम की तरदीद की। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ऐवान इकबाल में मुसन्निफीन दानिश्वरों और कलमकारों से मुकालमा। एहतसाब अदालत में मरियम नवाज की पेशी पर पुलिस अहलकारों से तलब कलामी। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोक दिया। 50,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म। थाना इस्लामपुरा पुलिस से 7 सितंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया। कैप्टन सफदर का दरखास्त में मौके। मोदी की शक्ल में नाजी आ गया। मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। मोदी ने पहले गुजरात में कत्लेआम किया, अब कश्मीर में नस्लकुशी की जा रही है। भारत ने कश्मीर में जंग शुरू की तो पाकिस्तान खत्म दिल्ली में करेगा। करतारपुर राहदारी पर 80% काम मुकम्मल हो गया, वादे के मुताबिक खोलेंगे। गवर्नर पंजाब की फिरदौस आशिक ऐवान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाने का ऐलान। फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा कि वजीर आजम आइंदा हफ्ते कौम से खिताब करेंगे। कश्मीरियों से यकजहती अब नहीं रुकने वाली। कौम अमन कमेटी बराए बैनुल मजाहिब के ज़ेरे तमाम यकजहती कश्मीर रैली। नासिर बाग से चेरिंग क्रॉस तक रैली में हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शरीक। गार्डन टाउन में सिविल सोसाइटी का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। डिप्टी कमिश्नर सालह सईद की ज़ेर सदारत ज़िलाई अमन व इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का इजलास। SSP ऑपरेशंस इस्माइल खाड़क समेत उलमाए कराम की शिरकत। तमाम मकातबाए फिक्र के उलमाए कराम की इंतजामिया को भरपूर तआवुन की यकीन दहानी। कश्मीर में मुसलमानों पर भारतीय मुजालिम की मजम्मत। कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म है, उलमाए कराम की गुफ्तगु। DC सालह सईद बोली, मुहर्रमुल हराम में रवादारी और बर्दाश्त को फ़िरोग मिलेगा। अमन व अमान के क़याम के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सैयद अली अब्बास बुखारी की ज़ेरे सदारत इजलास। सड़कों के पैच वर्क, सड़कों की तामीर के अमूर का जायजा। जुलूस के रास्तों पर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब को यकीनी बनाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखराजात को कम करना है, कारकर्दगी नजर आनी चाहिए। सैयद अली अब्बास बुखारी की हिदायत। जमात इस्लामी ख्वातीन विंग के ज़ेर एहतमाम तामीर पाकिस्तान यूथ कन्वेंशन। तालिबान की बड़ी तादाद में शिरकत।
कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती, टैबलोज मिली नकमे और तकारीर पेश की गई। समिया राहिल काजी बोली, कश्मीरियों के साथ हैं, मामले को हर सतह पर उजागर करेंगे। कश्मीर के बगैर इस्तेहकाम पाकिस्तान का ख्वाब अधूरा है। अलाइड स्कूल तलबा के रोशन मुस्तकबिल की जमानत करार, 301 कैंपसेस के 4000 से ज्यादा बच्चों के शानदार नतायज की रवायत बरकरार। यूसीपी ऑडिटोरियम होनहार तलबा के लिए पुरवकार तकरीब, तकसीम इनामात। पोजीशन होल्डर्स तलबा को 1-1 लाख रुपए के इनामात से नवाजा गया। मेहनत का सिला मिलने पर बच्चों और वालिदैन की खुशी दी थी। सूर्य स्कूल सिस्टम फरोग इल्म की जानिब गामजन, शहर के तीनों कैंपस में होगी अब लाइब्रेरी की मुफ्त सहूलत। लाइब्रेरी की फराहमी बारे मॉडल टाउन ब्रांच में इफ्तिताही तकरीब, रहनुमा पीटी अली रजा दरेशत की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा की लाइब्रेरी में पढ़ी किताबों में गहरी दिलचस्पी। आज़ादी डे नेशनल जूनियर स्कॉच चैंपियनशिप, शानदार मुकाबले के बाद टाइटल पंजाब के हारिस कासिम के नाम। फाइनल में खैबर पख्तूनख्वा के जीशान जेब को शिकस्त। अंडर 13 के फाइनल में महबूब ने सकीउल्लाह को हराकर टाइटल जीत लिया। अंडर 15 के फाइनल में मोहम्मद इमाद ने अंस बुखारी को हरा दिया। और चीफ मिनिस्टर पंजाब नेशनल कराटे चैंपियनशिप, दूसरे रोज भी जबरदस्त मुकाबले। सुबह भर की 11 टीमों के दरमियान टाकरा, खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए खूब दाव पेच लड़ाए। Oh, oh, oh.